कुछ दिनों पहले एक और सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें कहा गया कि अब स्कूल जो हैं वो 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक लगातार चलेंगे। नंबर से जो मेरिट में पहले मेरिट में नहीं आए थे उनको तत्काल सरकार सेकेंड लिस्ट जारी करके ले, तो जहां 20,000 की बात थी वहां मात्र 4700 सीटों पर बहाली आ रही है। विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों के अंदर निजीकरण को बढ़ावा देंगे। आप गलत तरीके से किसी महिला के सीएल को खारिज करके उसके ऊपर कार्रवाई करने लगेंगे, आप ये कह देंगे कि कोई भी टीचर सोशल मीडिया पे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे सरकार की किसी नीति की या शिक्षा विभाग के किसी भी फरमान का विरोध नहीं कर सकता है, तो ये सरासर गलत चार्जशीट बन रहा है। के पाठक के खिलाफ एक पूरा फेहरिस्त है, एक लिस्ट है, और वो लिस्ट हम लोग भी उनको सौंपेंगे। शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी, और मैं खास करके कहना चाहूंगा कि उसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, ये नहीं चाहते हैं कि शिक्षा विभाग के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से पठन पाठन का कार्य हो। हाल में एक प्रेस रिलीज या नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग से ये आया है कि कोई भी शिक्षक बिहार के हों वो किसी शिक्षक संगठन से नहीं जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि सरकार की या शिक्षा विभाग की किसी भी नीति की कोई आलोचना वो कहीं नहीं कर सकते हैं, ना मीडिया के माध्यम से, ना अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, ना अखबारों में। हमें लगता है कि ये जो आदेश जारी हुआ है, ये जो फरमान जारी हुआ है, ये पूरी तरीके से लोकतंत्र विरोधी है और देश के संविधान का आर्टिकल 19(1)(c) जो कहता है कि किसी भी नागरिक को संगठित होने का अधिकार है, ये उसकी अवहेलना करता है। आर्टिकल 19(1)(c) ये कह रहा है कि हर नागरिक संगठित हो सकता है और अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ा सकता है, और विशेष परिस्थिति में ही इस अधिकार को खत्म किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। तो बिहार के शिक्षा विभाग के अधिकारी ये बताएं कि बिहार में ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति आ गई है कि आपने संगठन बनाने से, संगठन से जुड़ने से शिक्षकों को रोक दिया है। और इतना ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के जो शिक्षक संगठन हैं, जो रजिस्टर्ड संगठन है, और देश भर में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो शिक्षक संगठन हैं, उन्होंने इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का डूटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन या JNUTA, इन शिक्षक संगठनों ने बड़े ऐतिहासिक और साहसिक आंदोलन किए हैं, सरकार की नीतियों में अपना प्रभाव डाला है। और इधर हम देख रहे हैं कि बिहार के अंदर एक MLC के ऊपर इसीलिए कार्रवाई करने की बात हो रही है, MLC को नोटिस दिया गया है, CPI के MLC हैं संजय कुमार सिंह जी, उनको नोटिस दिया गया है और उनका पेंशन रोक दिया गया है। ये सीधे सीधे तानाशाही रवैया है, और हम मांग करते हैं सरकार से कि इस तरह का बर्ताव तत्काल बंद हो, और जिस अधिकारी के आदेश से इस तरह के सर्कुलर जारी हुए हैं उस अधिकारी पर तत्काल सरकार कार्रवाई करे। हिंदुस्तान के इतिहास में शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वो चाहे आज़ादी की लड़ाई का हो या उसके बाद जो महत्वपूर्ण देश के अंदर आंदोलन चले हैं, उसमें शिक्षक जो एक बुद्धिजीवी तबका है, उनकी उपस्थिति, उनका मार्गदर्शन, उनकी एक्टिविटी, इसका एक महत्व रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बिहार जैसा राज्य जो लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, उस राज्य में शिक्षकों के जबान पे ताला लगाने की कोशिश चल रही है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और तत्काल इस नियम को, इस आदेश को, इस फरमान को हम लोग वापस करवाने का मांग करते हैं। इसके साथ साथ कुछ दिनों पहले एक और सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें कहा गया कि अब स्कूल जो हैं वो 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक लगातार चलेंगे। आप समझ लीजिए कि सरकार का ही एक नियम है जो कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में 800 घंटा और माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक में 820 घंटा क्लास चलना चाहिए, जब बिहार के सभी सरकारी स्कूल उस नियम से ज्यादा पहले से ही क्लास चल रहे थे। इसी तरीके से दिन का भी तय है कि 220 दिन क्लास चलना चाहिए, उच्चतर माध्यमिक में 220 दिन क्लास चल रहा था। तो छुट्टियों में कटौती करना या ये कहना कि आपका समय जो है पढ़ाई का, स्कूल का जो समय है वो बढ़ा दिया जाएगा 1 घंटा 2 घंटा प्रतिदिन, इसका कोई तर्क नहीं है, सिवाय इस बात के कि अपर मुख्य सचिव खुल करके शिक्षकों को डराना चाहते हैं, उनके ऊपर दमन करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की नीतियों का हम लोग विरोध कर रहे हैं।
आपने ये भी देखा होगा कि एक महिला शिक्षिका हाजीपुर में जो पढ़ाती थी, वो जब अपने पीरियड्स के दौरान उन्होंने सीएल अप्लाई किया और सीएल उसका स्वीकृत हो गया। देश भर में लोग जानते हैं कि बिहार वो राज्य है जहां पे महिलाओं को महीने में सीएल देने का प्रावधान अलग से किया गया है। पहला राज्य बिहार था। माननीय लालू प्रसाद यादव उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ये प्रावधान किया और देश भर में इसकी सराहना हुई। अब इस सुविधा का अगर कोई फायदा महिला शिक्षिका उठा रही है, उन्होंने अपना सीएल अप्लाई किया है जो स्वीकृत हुआ, इसके बावजूद उस महिला के ऊपर कार्रवाई करने का आदेश अपर मुख्य सचिव ने दिया। इतना ही नहीं, कई सारे स्कूल में जाकर के वहां पे शिक्षकों के साथ गाली गलौज करना, उनको मोटा कहना, उनके साथ भद्दा व्यवहार करना, ये साफ साफ दिखा रहा है कि शिक्षा विभाग जो एक अत्यंत ही संवेदनशील है और पूरे राज्य की जनता को सीधे सीधे प्रभावित करने वाला विभाग है, उसके आला अधिकारी जो हैं वो उनको शिक्षा का और शिक्षकों का कद्र नहीं है। इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये अपील करेंगे, उनसे ये मांग करते हैं कि तत्काल इस तरह के फरमानों को वापस लिया जाए और साथ ही साथ जिस अधिकारी के आदेश से ये फरमान जारी हुए हैं उनको तत्काल निलंबित किया जाए, शिक्षा विभाग से हटाया जाए, के पाठक के ऊपर कार्रवाई की जाए, ये हम लोग मांग करते हैं, देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि कल जो अखबार के माध्यम से सामने आया, ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर दे रहे हैं लेकिन मात्र 4700 पदों पर ही दे रहे हैं, जबकि हकीकत क्या है कि 110,000 की जो बहाली थी उसमें मात्र 90,000 छात्रों ने ज्वाइन किया। उसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे, कई सारे परीक्षार्थी ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट में कमी पाया गया और वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक सर्कुलर जारी करके कई छात्रों को बाहर किया। तो इन तमाम पदों को जो अनएलिजिबल हो गए और जो कई जगह ज्वाइनिंग किए थे, इन सबको जोड़ करके जब देने का बात शिक्षा विभाग ने कहा, माननीय शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से हमें जवाब मिला, लेकिन जब हम दोबारा से संपर्क उनसे कर रहे हैं तो उनका कहना है कि अपर मुख्य सचिव तैयार नहीं हो रहे। तो मतलब विधानसभा के अंदर जो जवाब शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री दे रहे हैं उसको लागू करने के लिए भी अपर मुख्य सचिव अगर तैयार नहीं होंगे। हमारी सीधी मांग थी कि इस समय कम से कम 20,000 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, वैसे स्टूडेंट्स, वैसे अभ्यर्थी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस कर चुके हैं, कुछ नंबर से जो मेरिट में पहले मेरिट में नहीं आए थे उनको तत्काल सरकार सेकेंड लिस्ट जारी करके ले। तो जहां 20,000 की बात थी वहां मात्र 4700 सीटों पर बहाली आ रही है। तो ऐसे कई सारे आदेश हो रहे हैं जहां पे शिक्षा मंत्री की बात शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी नहीं सुन रहे हैं। संदीप जी, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आप ही सोचिए कि अपर मुख्य सचिव जो है वो इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, शिक्षा मंत्री की बात नहीं मान रहे हैं, तो सब तो मिला होगा नेगेटिव भी कह चुकी है कि वो नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान में लेकर ही कोई कदम उठाएगा। निश्चित तौर से देखिए, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बनती है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी फैसला होगा तो वो कैबिनेट से ही, कैबिनेट के माध्यम से होगा और कैबिनेट के जो हेड होते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये समझना चाहिए, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के भी कई नेताओं ने, राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं ने इस बात को कहा है कि ये जो संकट दिख रहा है शिक्षा विभाग में, इसका समाधान होना चाहिए। तो इसको करना है अल्टीमेटली माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, तो उनसे हम ये कहेंगे कि पूरे परिदृश्य पर आप एक नज़र रखें और एक पूरा चार्जशीट बन रहा है के पाठक के खिलाफ, एक पूरा फेहरिस्त है, एक लिस्ट है और वो लिस्ट हम लोग भी उनको सौंपेंगे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, एक लिस्ट तैयार करके कि अभी तक क्या क्या गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक कार्य किए गए हैं, शिक्षकों को डराने वाले और शिक्षा विभाग का नुकसान करने वाले फैसले हुए हैं, ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख करके देंगे। यही उसमें कहां सवाल है, आप तुम बराबर कहते हैं शिक्षा विभाग नामी होता है, मनी भगत के काम होता है, तो के पाठक सुधार का काम कर रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों? आप पहले भी बोल चुके हैं इस बात नहीं, आप ये बताइए कि क्या शिक्षकों को डराना, जब पहले से ही बिहार के सारे स्कूल
राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मानकों को पूरा कर रहा है। कितने दिन तक कक्षा चलनी चाहिए, कितने घंटे तक कक्षा चलनी चाहिए, ये तमाम मानकों को जब बिहार के सारे स्कूल पूरा कर रहे हैं, उसके बावजूद छुट्टियों को कटौती करना, कटौतियों करके एक अराजक वाला माहौल बना देना, हिंदू मुस्लिम माहौल बनाने के लिए भाजपा यहाँ बैठी हुई है, तो ऐसे में हम कैसे मान लें कि वो सुधारात्मक काम कर रहे हैं। दूसरी बात कि आपने ये भी सुना होगा कि शिक्षा विभाग ने ये भी निर्णय लिया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों के अंदर निजीकरण को बढ़ावा देंगे, आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से नाइट गार्ड की बहाली की गई है, जो सरकार के नियमावली के माध्यम से वहां का प्रबंध कमेटी ने जो बहाल किया है नाइट गार्ड को, उनको 5,000 वेतन मिल रहा है, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से बाद में अपर मुख्य सचिव ने बिना टेंडर के ठेका देकर के जो बहाली करवाया है उनको 11,000 वेतन मिल रहा है। तो ये कैसा सुधार है? कोई सुधार इसमें नहीं है, बल्कि ये एक अराजक स्थिति पैदा करने की जा रही है शिक्षा विभाग के अंदर। उसी तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर जो पहले काम कर रहे थे उनका वेतन, और जो आउटसोर्सिंग कंपनी से आए हैं उनका वेतन, तो वेतनों में असंगति है, पारदर्शिता की कमी है, और बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से भ्रष्टाचार को स्थापित किया जा रहा है शिक्षा विभाग के अंदर। देखिए, पूरा उनका जो भी कृत्य है, जो फरमान है, मैं कह रहा हूँ कि क्या कोई भी व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए, क्या कोई भी व्यक्ति उस आदमी का तारीफ कर सकता है इस बात के लिए कि वो स्कूल में जाकर के किसी टीचर को गाली दे रहे हैं, किसी पदाधिकारी को अबे तबे कह रहे हैं, किसी टीचर को बॉडी शेमिंग कर रहे हैं मोटा कह करके? इसका तारीफ नहीं किया जा सकता है। उसी तरीके से स्कूलों में बिना कोई टेंडर करवाए आपने आउटसोर्सिंग कंपनियों को ठेका दे दिया। आप जो हैं फलाने जिले में गेस्ट टीचर को अपॉइंट करवाइए, वहाँ पे सेंट्रलाइज तरीके से मिड डे मील का योजना आप चलाइए, वहाँ पे आप ये करवाइए। तो ये जो ठेका पट्टा सिस्टम है, मैं इसमें कह रहा हूँ कि इसमें बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हुआ है, विभाग के अंदर पैसा लिया गया है, और जो भी बहालियाँ हो रही है उसमें भी पैसे लिए जा रहे हैं आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से। तो इसकी तारीफ अगर कोई कर सकता है तो करके देखें। इस पॉइंट पर तारीफ नहीं कर रहे होंगे, एक परसेप्शन ये बनाने की कोशिश हुई है, ये मानते हैं, एक परसेप्शन ये बनाने की कोशिश हुई है कि जब से के पाठक आए हैं तब से स्कूलों का व्यवस्था जो है वो ठीक हुआ है। तो उसमें कुछ पॉइंट हम मानते हैं कि कुछ पॉइंट सुधार हुए हैं, जैसे शिक्षकों की उपस्थिति, हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि टीचर्स का जो स्कूलों में उपस्थिति है वो ठीक तरीके से होना चाहिए, नियम के मुताबिक होना चाहिए, छात्रों की उपस्थिति होनी चाहिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उसके बाद आप गलत तरीके से किसी महिला के सीएल को खारिज करके उसके ऊपर कार्रवाई करने लगेंगे, आप ये कह देंगे कि कोई भी टीचर सोशल मीडिया पे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे सरकार की किसी नीति की या शिक्षा विभाग के किसी भी फरमान का विरोध नहीं कर सकता है, तो ये सरासर गलत है, ये सरासर गैर संवैधानिक है। हम प्रयास कर रहे हैं और हम पार्टी के लेवल पे भी हमारी बैठक हुई है, और 2 दिन पहले भाकपा माले की राज्य कमेटी की बैठक हुई है, उस बैठक में इस पर विस्तृत से चर्चा हुआ है, और पूरी पार्टी ने कहा है कि ये जो कदम उठाया जा रहा है शिक्षा विभाग के माध्यम से, उसे लेकर के पार्टी स्तर पर भी बात होगी, और बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बिहाफ पे और एक MLA के बिहाफ पे मैं भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके बात करने की कोशिश करूँगा।